हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजाइन गोरिदम। मैं शैली। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में बनाई गई ओपनिंग्स में डोर और विंडोज ऐड करेंगे। आप डोर विंडो खुद भी डिजाइन कर सकते हैं या आप इसे स्केचअप की 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके और सर्च बार में डोर टाइप करके अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डिजाइन चाहिए उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख लें कि ड्राइंग बहुत बड़ी साइज की नहीं हो, क्योंकि यह आपके फाइल साइज को बड़ा कर सकती है, फाइल में काम को भी स्लो कर सकती है। इन मॉडल्स को पहले एक अलग फाइल में डाउनलोड कर लीजिए, इन्हें अपने कस्टम लाइब्रेरी में ऐड कर लें। स्केचअप के अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने इस प्रोसेस को डिटेल में समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट को चेक कर लें, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने अपनी कस्टम 3D लाइब्रेरी पहले ही खोल ली है और मैं इस मॉडल में लाइब्रेरी के एक डोर को यूज करूंगी। जब मैं इसे इस मॉडल में लाऊंगी तो मैं इसे मूव टूल को यूज करके डोर की ओपनिंग में फिक्स कर दूंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोर थोड़ा छोटा है, हम डोर के साइज को चेंज करने के लिए स्केल टूल का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने डोर पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, मैं स्केल टूल चूज करूंगी। आप देख सकते हैं कि डोर पर ग्रिप्स दिखाई दे रही हैं और इसे चौड़ा करने के लिए मैं इस मिडिल ग्रिप पर क्लिक करूंगी और इसे तब तक बाहर की ओर खींचूंगी जब तक ये एज पर ना आ जाए। डोर की हाइट बदलने के लिए सेम स्टेप्स रिपीट करने होंगे। अब ये पूरी तरह से डोर ओपनिंग में फिट हो गया। अब इंटीरियर्स में डोर ऐड करने के लिए मैंने अपनी कस्टम लाइब्रेरी से कुछ मॉडल पहले से ही लिए हुए हैं। आइए इन डोर्स को यूज़ करके अंदर के डोर्स भी फिक्स करें। मैं पहले इसे रूम के अंदर ले जाऊंगी और रोटेट करूंगी। अब ध्यान दें कि डोर का हैंडल उस डायरेक्शन में नहीं है जहां उसे होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैं स्केल टूल लूंगी और मैं इस मिडिल ग्रिप को क्लिक करके बाईं ओर खींचूंगी और ये देखूंगी कि मेजरमेंट में ये -1 दिखा रहा हो। अगर ये नहीं दिखा रहा तो मैं खुद इसे टाइप कर दूंगी, डोर फ्लिप हो जाएगा। अब मैं इसे डोर ओपनिंग पर ले जाऊंगी और इसे उसी तरीके से रिसाइज करूंगी जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इन स्टेप्स को रिपीट करके आप सभी जगह डोर्स ऐड कर सकते हैं। सेम स्टेप्स को फॉलो करके विंडोज भी ऐड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। थैंक्स अ लॉट।